जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नौमान जनाब। शो का नाम है K2 डिजिटल, जो हर जुमे की रात 8 से 9 हम आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें देखते हैं और हम इस शो में सोशल मीडिया को सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे सोशल मीडिया के जितने भी खैबर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडियम्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, उन तमाम पे हमारे वीडियोस, हमारा कंटेंट किस तरह से पहचाना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ हमारे करंट वीडियोस, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत कोई पुराना वीडियो होता है और उस पर एकदम से बहुत सारे व्यूज़ और लाइक्स और आपका फीडबैक आ जाता है। तो आपको पता है सोशल मीडिया अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है। सालों पुरानी कोई वीडियो निकल आती है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी निकल आती है, कोई चीज़ निकल आती है, और ऑल ऑफ अ सडन उसकी एक हाइप क्रिएट हो जाती है। तो हमें उसके साथ जो है इस रेस का हिस्सा बनना पड़ता है, क्योंकि जनाब दौर है, तो दौर को वही सही होता है इंसान जो दौर के साथ साथ चले और अपने आप को उस तरह से मोल्ड करे। तो आज के शो में भी डेफिनेटली बेतहाशा मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें ना सिर्फ K2 के वायरल वीडियोस हम आपके लिए प्ले करेंगे, साथ ही साथ मेरी पसंद का भी कुछ इसमें प्ले होगा। वो म्यूज़िक भी हो सकता है, कोई वायरल वीडियो भी हो सकता है, और फिर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, जिसमें हम K2 के ही पुराने वीडियोज़ जो उस टाइम पे भी बहुत हिट हुए और हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है और हमारी मेमोरीज रिवाइव होती हैं, हम उनको आपके लिए यहाँ पे पेश करते हैं, दिखाते हैं। जनाब कॉल आप हमें कर सकते हैं, मैसेज भी आप हमें कर सकते हैं, दोनों आपके पास इस वक्त जो है मीडियम्स मौजूद हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357, 4102357 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। एंड आई वॉन्ट कि आप इस पे हमें बेतहाशा कॉल्स करें और अपना फीडबैक दें। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया का मीडियम है और सोशल मीडिया में, और उस पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा नंबर है 0335 4888 4 3 4। जनाब इस पर आपने हमें अपना फीडबैक देना है, कोई कोई सजेशन देनी है, कोई कहना है कि जी यार ये ना करें, क्या करें, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आपके साथ तो घर वाला एक हमारा फैमिली चैनल है, तो आप भी हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, और हम आप लोगों की सजेशंस को, एडवाइस को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। जनाब सबसे पहला सेगमेंट है हमारा K2 वायरल। K2 वायरल में हम आपको आपको पता है कि K2 के रीसेंट टाइम्स के जो वीडियोज़ होते हैं, उनमें सोशल मीडिया पे तमाम वो सारे वीडियोज़ जिन्होंने एक अच्छा फीडबैक, रीच हासिल की होती है, अच्छे व्यूज़ या अच्छे लाइक्स हासिल किए होते हैं, हम आपके लिए वो प्ले करते हैं। और आज भी हमारे पास मज़ेदार से वीडियोस मौजूद हैं, जो आपने भी देखने, मैंने भी देखने, और हमने मिलकर एंजॉय करना है। सबसे पहला जो वीडियो है, ये भी एक टप्पा है आपके, आपका बहुत ही फेवरेट शो बैठक, जो आप लोग देखते हैं, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सब अपना अपना रोल एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले करते हैं। मलिक साहब होते हैं, आपा जी होते हैं, पापा जी होते हैं, और इसके साथ उसमें मेहमान भी आते हैं और उसमें वो भी आके परफॉर्म करते हैं। तो इस ही शो का एक वीडियो है, जिसका एक माइया जो है टप्पा बहुत हिट हुआ, चिट्टा चोला, और इसको सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया गया। तो अच्छा ठीक है, चिट्टा चोला हमारे पास मौजूद है, कहीं नहीं गया चिट्टा चोला, लेकिन चिट्टा चोला मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी वेट पे है। मैं दोबारा बताती चलूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357, और मैसेज अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 0335 4888 4 3 4। जनाब मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगी, अगर आप में से कोई जानना चाह रहा है कि एक्स वाई जी किसी भी दिन, फलाने दिन, बुध वाले दिन रात के इस टाइम पे कौन सा शो आता है, तो जिया ज़रा हमें बताएं कि हम खट्टा मीठा शो हो गया, या इलाकाई टच हो गया, या मॉर्निंग शो की टाइमिंग क्या है, दुबई लाउंज की टाइमिंग क्या है, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अब मेरे शो के बाद अगला शो कौन सा लगने लगा है। आज रात में आप देखेंगे K2 डिजिटल के बाद दुबई लाउंज, जो कि रिपीट होता है, रिपीट नहीं होता बल्कि रज़िया सुल्ताना इसको करती हैं, तो ये आपने रात को भी देखना है दुबई लाउंज, और ये आप देखेंगे मेरे शो के बाद। और सैटरडे के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग लिस्ट है, इसमें रात जो है स्पोर्ट्स मैग होता है, उसके बाद सेहत और तंदुरुस्ती होता है, डॉक्टर जुल्कनैन होते हैं लाइव, और उसमें आप लोगों के तमाम सवाल और उन सारी चीज़ों पे बात हो रही होती है। इसके अलावा पब्लिक आए होता है, म्यूज़िक जंक्शन होता है दुबई से लाइव, खट्टा मीठा शो होता है, जो कि एक न्यू शो स्टार्ट हुआ है, मीना शम्स इसको बहुत ही खूबसूरती से करती हैं, एंड देन फिर स्पोर्ट्स मैग ही रिपीट होता है। तो ये सैटरडे की मैंने आपको एक लिस्ट बताई है, अभी मैं आपको संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबका बताऊँगी। जनाब कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं
आजकल आपको पता है कि वायरल होने के लिए और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग बहुत ऊट पटांग चीज़ें भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस सोशल मीडिया की रेस को तो फॉलो करते हैं कि हमने सोशल मीडिया के साथ अपने कंटेंट को भी लेके आने आगे, लेकिन हम उस रेस का हिस्सा नहीं बनते कि कुछ भी बना लिया, कुछ भी अपलोड कर दिया जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट कि हमारा कॉन्टेंट वायरल हो. नो, दैट्स नॉट आर थिंग. हम उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे, ना उस रेस का हिस्सा बन रहे हैं. हम सिर्फ अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, अपने रीजनल चीज़ों को, अपने रीजनल चाहे वो माये टप्पे हों, चाहे रूट से जुड़े हुए शोज़ हों, एक फैमिली का कॉन्सेप्ट हो, या मज़ेदार लाइट ह्यूमर हो, हम उन चीज़ों को जो है प्रमोट कर रहे हैं. और म्यूज़िक को हम बहुत प्रमोट करते हैं. आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो कि म्यूज़िक बेस्ड हैं, इवन और मेरे ख्याल से बहुत ही कम चैनल भी नहीं कहूँगी, चैनल्स ही नहीं रह गए कि जिनमें लाइव म्यूज़िक जो है प्ले होता हो. सो आप मिक्सपति में भी लाइव, मंडे को जब मिक्सपति आता है रात में, तो उसमें भी हम लाइव म्यूज़िक आपके लिए लेके आते हैं. इलाकाई टच जो मंगल और बुध वाले दिन होता है, उसमें भी लाइव म्यूज़िक आपके लिए लेके आते हैं जनाब. उसके बाद जो म्यूज़िक जंक्शन है, इसमें भी म्यूज़िक के बारे में बात होती है. और इसके अलावा दुबई लाउंज में और डिफरेंट शोज़ में हम म्यूज़िक आपके लिए लेके आते हैं. तो वो जो कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़ज़ा, वो वाला तड़का मौसीकी का लगता रहता है, और वो हम आपको चाहते हैं कि आप इंटरटेन रहें. जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शो का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिए के2 टेलीविजन. आप वेलकम बैक कहेंगे आपको के2 डिजिटल में. और अभी ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि आप जो है हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, और हमारे कौन से दिन कौन कौन से शोज आपके लिए प्ले होते हैं वो तमाम जो डिटेल्स हैं वो हम गाहे बगाहे आपको देते रहेंगे. लेकिन अब चले गए के2 वायरल, जो हमारा सेगमेंट है पहला, उसकी पहली वीडियो की तरफ. जनाब इस वक्त हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा एक वीडियो मौजूद है. आप एक शो देखते हैं, सोना देश नज़ारा जनाब, और ये आता है थर्सडे वाले दिन, मतलब जुमेरात वाले दिन रात को, इस्लामाबाद से लाइव होता है. इसको शब्बीर और नौशीन जो है होस्ट करते हैं, और इस ही प्रोग्राम का एक वीडियो है हजारा की खूबसूरत सकाफत. जनाब इसको सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया गया, बहुत अच्छा फीडबैक आया. तो ये वीडियो चल के हम आपके लिए प्ले करते हैं, इसको देखते हैं और फिर वापस आते हैं.
अ ब्यूटीफुल वीडियो। हज़ारा के जो पहनावे हैं, कल्चरल पहनावे हैं, ये उसका एक शो था जिसमें आपको बच्चे भी नज़र आए डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में। और ये वीडियो जो है 16 देश हज़ारा में प्ले हुआ और इसको बहुत पसंद किया गया सोशल मीडिया पे। जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, कुछ मैसेजेस हैं जिनको मैं चाहूँगी शामिल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं, लारेब, समरा और सवेरा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम, हमारा शो पसंद करने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए, और मेरी तरफ से आप तीनों को बहुत ज़्यादा प्यार। जनाब एक और मैसेज भी हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपका शो बहुत अच्छा है, सबको मेरा सलाम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद तारिक फ्रॉम कलर सैयदा। थैंक यू सो मच नवीद, आपने हमें मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम। कॉल्स भी आप लोग हमें कर सकते हैं और अपना कोई फीडबैक देना है, हम तक पहुंचाना है तो वो भी आप पहुंचा सकते हैं। जनाब अगले हम पहला जो हमारा सेगमेंट है K2 वायरल, उसके अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। और इसमें जैसे अभी हमने एक सकाफत के ऊपर वीडियो देखा, अब जो हमारे पास वीडियो है वो बहुत ही हमारे रीजनल बहुत ही फेमस सिंगर है मुनीर अवान, और इनके गानों को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। इनका एक टप्पा है लाल गड्डी, जो कि हमारे जो है खैबर नेटवर्क के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत पसंद किया गया और लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया। आपको पता है कि हमारा रीजनल जो कंटेंट है वो वैसे ही पसंद किया जाता है क्योंकि लोग चाहते हैं, हम जो दिखाएंगे वो उस चीज़ को देखना चाहेंगे। सो आप खुद क्रिएट करते हैं कंटेंट और आप खुद क्रिएट करते हैं ऑडियंस। सो हमारे पास वी आर सो लकी कि हमारे पास एक क्वालिटी ऑडियंस है जो कि दे वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू देयर रूट्स। सो ये एक मज़ेदार सा टप्पा है लाल गड्डी, चल के सुनते हैं, मैं भी इंजॉय करती हूँ, आप भी इंजॉय करें और फिर वापस आते हैं। दफ्तर टिकटां दे ओ मेल नसीबां दे बाकी कम लिखतां दे। भरपूर साथ चाहिए जी मुनीर अवान को। लाल गड्डी दिया टिकटां में अग लवां टिकटां नू माया गया परदे में अग लवां लिखतां नू झोला गया परदे
मजा नहीं आ रहा लाने दी जान, क्या बात है, साथ चाहिए आप लोगों का मुझे। जनाब अभी हम देख रहे थे मुनीर अवान की आवाज़ में, सुन रहे थे और इंजॉय कर रहे थे लाल गड्डी जो कि वो लाइव परफॉर्म कर रहे थे, और हम देख रहे थे कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और हम भी यहाँ पे स्टूडियोज़ में बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे। साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस भी हम तक पहुँच रहे हैं, मैं चाहूँगी कुछ मैसेजेस को भी हम शामिल कर दें। सबसे पहले जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसानुल्लाह फ्रॉम पंजाब टोंसा शरीफ, आपकी आपका शो देख रहा हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त शो है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही लगी रहे, सलाम टू ऑल। जी सर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, आपका शो बहुत अच्छा है, सबको मेरा सलाम, माय नेम इज़ नवी तारिक, आप ही ये माया जो आपने अभी लगाया है मुझे बहुत पसंद है, मोहम्मद नवी तारिक, थैंक यू सो मच नवीद, आपको पसंद है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक सेकेंड जनाब, मैं कुछ मैसेजेस को रीड करना चाह रही हूँ, पिक्चर्स अगर आप भेजेंगे तो वो शो में शामिल नहीं हो सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका शो रोज़ देखते हैं, मेरा नाम एहतिशाम है, कौन सा शो देखते हैं, किधर देखते हैं आप मेरा रोज़ शो, इतने नहीं है K2 वाले मेरे पे मेहरबान के रोज़ शो देते हैं मुझे। हवाले अहवाले हज़ारा में लास्ट एपिसोड जो लगी उसमें एक बंदे ने सॉन्ग गाया, वो लगा दें प्लीज़। अच्छा जी, अहवाले हज़ारा में जो लास्ट एपिसोड थी उसमें किसी ने कोई गाना गाया था, वो लगा दें, ठीक है, और मेरा नाम अपने शो में लें, आपका नाम है जनाब जो आपने लिया बताया एहतिशाम, थैंक यू एहतिशाम, और रोज़ मेरा शो देखा करें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी हो। आपसे एक फरमाइश है, शकील अवान का कोई सॉन्ग सुना दें, मलिक AR फ्रॉम पाक पतन, ठीक है जनाब, शकील अवान का हम आपको कोई गाना ज़रूर सुना देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सैयद सैफ अली फ्रॉम हरिपुर, थैंक यू सो मच सैफ, और ये जो पिक्चर्स आ रही हैं इनको हम इंक्लूड अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते जनाब, क्योंकि आपको पता है कि मैसेजेस तो रीड किए जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि कोई ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिसमें हम जो है पिक्चर्स को भी ऐड कर सकें और आपकी पिक्चर्स को हम सोशल स्क्रीन पे ज़रूर चलाएं। जनाब अगला वीडियो हमारे पास K2 वायरल जो हमारा सेगमेंट है पहला, उसमें मौजूद है जाने बहारा हसन अली शाह, जनाब पेशावर का बहुत बड़ा नाम और आपने उनको ड्रामास में भी देखा है, और अभी जो शो हो रहा है खट्टा मीठा जिसको मीना शम्स कर रही हैं उसमें भी वो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया गया जिसमें ये जाने बहारा गा रहे हैं, तो चल के वीडियो देखते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं। जाने बहारा कुंचा दहन धीमी बदन जाने मन है जाने मन जाने बहारा जन्नत की हूरे कुछ बेदा जन्नत की हूरे कुछ बेदा रफ्तार जैसे मौजे तबा जाने मन जाने बहारा
हर एक नजर जादूगरी दुल्हे तेरी मुझके कतन है जाने जाने बहारा रश्के चमन गुलचा दहन सीमी बदन ऐ जाने मन जाने बहारा। जी जनाब, अभी हम देख रहे थे ये हसन अली शाह जाने बहारा रश्के चमन गा रहे थे और बहुत प्यारा गा रहे थे। एंड आई लव द ट्रैक बाय द वे, मुझे ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल करियोके के ऊपर गा रहे थे। इट वाज अ नाइस एफर्ट और इसमें हमने मीना शम्स को भी देखा एंजॉय करते हुए। जनाब एक कॉल है हमारे साथ आज के शो की पहली कॉल, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से हमारे साथ? उस्मान बात कर रहा हूं। उस्मान बात कर रहे हैं, किधर से बात कर रहे हैं उस्मान? बलोचिस्तान से। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? उस्मान अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें काइंडली। जी मैम। जी अभी ठीक है? जी बिल्कुल म्यूट कर दें और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी असल में आपका प्रोग्राम देखते हैं अच्छा लगता है और आज एक छोटा सा मैसेज देना था। जी आज मतलब वाइफ काफी डिप्रेस थी तो उनके लिए कोई भी आप सॉन्ग डेडिकेट करेंगी? ओके बिल्कुल ठीक हो गया। वाइफ आपकी डिप्रेस्ड क्यों थी? क्योंकि मैं इधर पंजाब से जॉब पे हूँ बलूचिस्तान में। ओके तो आज वो अकेली जा रही है शादी पे। ओह दैट्स स्वीट। तो इस वजह से डिप्रेस्ड थी वो? हाँ वो कह रही थी कि हम इकट्ठे जाते। कितने मजे की बात है कि जो अगला गाना है जो कि मेरी चॉइस है जिया चॉइस में जो आज हम गाना प्ले कर रहे हैं उसमें भी कुछ परदेस जाने का जिक्र हो रहा है और ये गाना मैं आपकी वाइफ को डेडिकेट करूंगी। सो आई होप वो सुन रही हैं और इसको एंजॉय करें आप भी और हम भी एंजॉय करते हैं। ठीक है उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये कितनी प्यारा एक रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, ये छोटी छोटी ये जो इमोशंस हैं, नाराज़ हो जाना, रूठ जाना, अपनाइयत, ये बड़ी यूनिक है। तो ये हम जनाब उस्मान की वाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं। मेरा जो सेगमेंट है जिसमें जिया चॉइस चलता है, कोई कंटेंट भी हो सकता है, कोई गाना भी हो सकता है, तो आज हमारे पास गाना मौजूद है अदनान धूल का, रीसेंट टाइम्स में आया और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, हिट हुआ, इस पे इंस्टाग्राम पे इसके रील्स बने, टिकटॉक्स बने। गाने का नाम है परदेस कटेंदा। लेट्स गो एंड हियर इट टुगेदर और फिर वापस आते हैं। जी जनाब वेलकम बैक, कहेंगे आपको K2 डिजिटल में और जुमे की रात 8 से 9 हमारा ये शो लाइव होता है। जनाब आपके काफ़ी सारे मैसेजेस हम तक मौसूल हो रहे हैं लेकिन आयरनी ये है कि मैसेजेस के साथ साथ आप कॉल्स भी हमें व्हाट्सएप पे करें जो कि हम नहीं उठा सकते। तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357। मैसेज है जनाब, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नाम आपने मैंशन नहीं किया। वॉइस मैसेजेस हम बिल्कुल प्ले नहीं कर सकते। जुनेद हैं, जुनेद ने भी कहा है जी प्लीज़ प्ले चित्राली सॉन्ग। ठीक हो गया जनाब। हमारे पास कुछ और वीडियोस मौजूद हैं। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है आज के शो का उसका नाम है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। आपको पता है कि पहले हम K2 वायरल जो है आपके लिए लेके आते हैं, उस सेगमेंट में हम K2 के रीसेंट टाइम्स के वायरल वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर मेरी चॉइस का कोई वीडियो चलता है और उसके बाद हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज़ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। जनाब आज के ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में 2016 में ईद रौनक हुआ था, ईद रौनक, और उसमें दो सिंगर्स ने एक गाना गाया था पश्तो और उर्दू मिक्स, ठीक है, और ये खैबर का ही प्रोजेक्ट था, ये गाना भी खैबर ने ही लॉन्च किया था, ये कवर था बाय द वे, एक ओरिजिनल पश्तो सॉन्ग का कवर किया था इन दो सिंगर्स ने। तो चल के देखते हैं कौन है ये दो सिंगर्स और फिर इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं। तो रुशपो के जरंगी खुबू नवी नमा जुल्फान सुन रहे थे और इसको नमाल नशारी और जिया नुमान जो है परफॉर्म कर रहे थे। गुड टाइम्स। आई रिमेंबर कि मैं ये इसने मुझे रिमाइंड कराया कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ, कि मैं फ्रैक्चर्ड पाँव के साथ भी परफॉर्म कर रही थी। सो जिंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं लेकिन द गुड थिंग इज़ के हमें हमेशा प्यार मिला है आप सब की तरफ से और अपनी इस फैमिली की तरफ से, की टू फैमिली की तरफ से। जनाब कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे और फिर आज की लास्ट वीडियो की तरफ हम चलेंगे। सलाम प्यारी जिया जी, दुआ लाहौर से हूँ, आप बहुत पप्पू लग रही हैं, सीरियसली शो गुड है आपका और लशारी भाई के सब शोज बेस्ट होते हैं,
खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो. लव यू जी. थैंक यू सो मच. वी लव यू टू. अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, आप कैसी हैं? मैं फयाज अवान सिंगर. ओके जी सर, बहुत शुक्रिया. अच्छा ये कौन है? हाय बाबर आजम. बाबर आजम फ्रॉम चित्राल. सो यू आर द बाबर आजम वी वर लुकिंग फॉर. आप असल बाबर आजम है जनाब. थैंक यू सो मच. आपके बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जिनको मैं शामिल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनमें कुछ मिसबल्स भी हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, लेकिन आपके प्यार का, आपके फीडबैक का शुक्रिया जनाब. ये तो हमारा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में पहला वीडियो था. जो हमारा अगला वीडियो है वो भी कुछ बहुत ही अमेजिंग सा है. इसमें 2014 में एक शो हुआ था दिल में धड़के पाकिस्तान, और इसमें मिशी खान एंड अदनान अजीज, जो कि हैप्पी सिंह के नाम से आप उनको जानते हैं और K2 पे उन्होंने बहुत तवील अरसे तक माशाल्लाह काम किया, वो एक कॉमेडी डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं. क्या करें इस परफॉर्मेंस में, चल के देखते हैं. मैं भी देखती हूँ, आप भी देखें और इन्जॉय करते हैं. परफॉर्मेंस मिशी खान और अदनान अजीज की, और शो था दिल में धड़के पाकिस्तान, 2014 में ये हुआ. और इसमें मज़ेदार बात ये थी कि मिशी खान पूरे लड़कियों के कॉस्ट्यूम में मर्द थी और वो उस मूंछ को ताव दे रही थी जो थी नहीं वहाँ पे फिज़िकली, लेकिन इट वाज अ स्वीट परफॉर्मेंस. और साथ हैप्पी सिंह ही बने हुए थे लेकिन वो औरत बने हुए थे. सो इस पे ये लोग एक कॉमेडी कॉमिक परफॉर्मेंस कर रहे थे जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी और हमें भी बहुत अच्छी लगी. और ये हमने आज के हमारे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में से ये दो वीडियोस निकाले थे. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. कुछ जाते जाते आपके मैसेजेस शामिल कर लें. आप भी प्लीज़ आप अपनी वॉइस में कोई टप्पा सुना दें. ठीक है टप्पा आपने मेरी आवाज़ में सुनना है तो आप मिक्स पत्ती को देखें पीर वाले दिन रात 9 से 10:30 बजे. उसमें हम आपके लिए कोई टप्पा ज़रूर परफॉर्म करेंगे. आई एम फ्रॉम वाक एंड माई नेम इज़ असद. ये अलग मैसेज है. प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग. आई एम फ्रॉम वाक एंड माई नेम इज़ असद. ठीक है थैंक यू सो मच गाइज. जितने भी लोगों ने हमें मैसेजेस किए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे. इंस्टाग्राम पे आप हमारे अकाउंट को K2TV को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए आप हमें लाइव स्ट्रीम पे देख भी सकते हैं. K2TV के नाम से आप प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और भी मैसेजेस आ रहे हो, मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी. अपनी सजेशंस देना, अपनी फीडबैक देना ना भूलिए, क्योंकि जो वीडियोस आप पसंद करेंगे सोशल मीडिया पे हम वो अपने शो में प्ले करेंगे. रीसेंट टाइम्स में जितने भी हम लोग अपने पेजेस पे वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं हम उसको देखते हैं कि आपको उसमें से क्या पसंद आ रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने शो में उनको प्ले करते हैं. जनाब आज के लिए इतना ही. आई होप आपका आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे वाले दिन रात 8 से 9 दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए कंटेंट के साथ, नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़.